पहुंचे हैं जहां पर दर्शन पूजन करेंगे और ठीक यहीं से निकलकर जहां पर हम खड़े हैं इस रास्ते से देखिए पुलिस फोर्स के जो जवान हैं मौजूद हैं, लोगों को अंदर करा रहे हैं। यहीं से और राम मंदिर गेट देखिए ठीक बिल्कुल सामने है, यहां से वो रामलला का दर्शन करने जाएंगे और गेट नंबर 11 से वो राम जन्मभूमि परिसर में दाखिल होंगे जहां से राम मंदिर का रामलला का दर्शन करेंगे और जो तैयारियां हैं उसका जायजा लेंगे। जो नृपेंद्र मिश्रा है राम जन्मभूमि तीर्थ निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं वो भी अंदर मौजूद है, ट्रस्ट के सभी लोग मौजूद है, जो प्रशासनिक अमला है वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद है और वहां से निकलेंगे तो गुप्तार घाट जाएंगे जहां पर सोलर बोर्ड की वो शुरुआत करेंगे और वापस आएंगे टेंट सिटी का निरीक्षण करेंगे और फिर 2 बजे राम कथा जो पार्क है जो संग्रहालय है वहां पर समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री के आने से पहले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, उससे पहले वो तैयारियों का जायजा लेंगे और एक एक बिंदु को खुद परखना चाहते हैं। वो चूंकि राम भक्त हैं, अयोध्या के राजा हनुमान जी ठीक है, देखिए हनुमानगढ़ी का जो पताका है वो हमारी तरफ दिख रहा है, हनुमानगढ़ी का जो पताका है वो आप देख सकते हैं जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, तो आप देख सकते हैं कि जो है ठीक हमारे पीछे हनुमानगढ़ी है और हमारे लेफ्ट साइड में जो है वो राम मंदिर का जो गेट है वो आपको दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग उनसे बात करते हैं, कैसा लग रहा है? सीताराम, हम तो स्वर्ग में आ गए हैं, बैकुंठ धाम पधार रहे हैं। भगवान राम की महिमा है, सबके अंदर भगवान राम का वास है, जिनके अंदर भगवान का वास है वो सब यहाँ भगवान ने बुलाए हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा लग रहा है आपको? जय श्री राम, बहुत कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं, वैसे राजस्थान नोखा से हैं, अभी दिल्ली से आए हैं, हम सुबह आए हैं। यहाँ आकर कैसा लग रहा है कि धरती का स्वर्ग यहीं पे आकर रुका हुआ है। अभी कश्मीर कन्याकुमारी सब फैला, अभी अयोध्या सिर्फ अयोध्या के अंदर जी भी आए हुए, देखिए हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं, फिर रामलला के पास जाएंगे। योगी जी तो है, योगी जी और मोदी जी के बदौलत ही आज ये धरती देखने को मिली है, स्वर्ग जैसी धरती हो गई है। जो नहीं आया उनसे बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। जय श्री राम, क्या कहेंगे? क्योंकि पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या बदल गई है। मोदी योगी जिंदाबाद, हमारा देश विश्व विजयी बने, विश्व बंधुत्व की भावना से हम सब तरक्की करें, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ओम शांति। जय श्री राम है, जय श्री राम, जय। देखिए बिल्कुल जो लोग आए हैं वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। जो ठीक पीछे हमारे देखिए जो फ्लीट की जो कन्वाय दिख रही है, पुलिस फोर्स के जवान है वो आएंगे और इस रोड को देखिए पूरा खाली कराया गया है और कहीं से पब्लिक जो की लगातार राम मंदिर पर लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो लिहाजा इस बात का इंतजार है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला निकलेगा, कन्वॉय निकलेगी तो इसी रास्ते से होता हुआ जो गुजरेगी वो, और देखिए उनकी जो फ्लीट है वो निकल चुकी है, मुख्यमंत्री की जो फ्लीट है आप देख सकते हैं कि वहां से देखिए अब पूरी की पूरी जो फ्लीट है वो निकल चुकी है। मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है वो आपको दिखाई देंगे, मुख्यमंत्री की जो पूरी की पूरी फ्लीट है आपको तस्वीरों में हम दिखा सकते हैं कि वहां से देखिए बाकायदा जो फ्लीट है वो निकल चुकी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पुलिस फोर्स के जवान है और बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। कहाँ से आए आप? सर यही अयोध्या से हैं, अयोध्या से हैं। अच्छा लग रहा है? जी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, अयोध्या का बहुत ही कायाकल्प हो गया है, राम जी का जैसा स्वागत होना चाहिए उसी प्रकार से हो रहा है और हम लोग बहुत ही दिनों से इस चीज़ के लिए मतलब प्रतीक्षारत थे कि भगवान राम का ये भव्य स्वागत हो जिसपे पूरा विश्व देखे। देखिए भगवान राम का भव्य स्वागत हो, पूरा विश्व इसको देखे, उसको लेकर देखे यहाँ पूरी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। परम राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे हैं। आज देखिए 19 तारीख है, अब कल से राम मंदिर का जो दर्शन है वो भी बंद हो जाएगा। आपके पास नीतीश का जरा रुख करते हैं, नीतीश वहां का क्या नजारा? ठीक है, इस वक्त ठीक है नीतीश लौटेंगे, अजीत का रुख करते हैं क्योंकि सीएम योगी वहां पहुंच चुके हैं। अजीत देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए यहाँ पर आने वाले हैं, इसीलिए देखिए जो रो है वो बदली गई है जरूर यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के, और देखिए उनकी फ्लीट यहाँ से गुजरने ही वाली है। तो आप देख सकते हैं ये देखिए पिछले कई 24 सालों से मौन व्रत है, ये मौन धारण किए हुए हैं, आप इनको तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री की जो फ्लीट है वो सीधे यहाँ पर दिखाई देगी। जो है चूंकि मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो अब अलर्ट हो चुका है, यहाँ से देखिए आने वाले हैं मुख्यमंत्री। ठीक है अजीत, बने रहे हमारे साथ, तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार ये तस्वीरें आपको पहुंचाते रहेंगे। लेकिन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक